खड़े हो पास चलो, आओ हमारे साथ चलो। राहुल गांधी ने पूरी की बच्चों की मुराद। राहुल गांधी ने बना दिया बच्चियों का दिन। ख्वाहिश पूरी करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। मिले कदम और जुड़े वतन का संदेश लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। जम्मू में 26 जनवरी तक यात्रा चलेगी, जिसके बाद वो कश्मीर में एंट्री करेगी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। राहुल गांधी कभी अपनी टी शर्ट, कभी दाढ़ी, तो कभी अपने लुक और इसके साथ ही अपने अंदाज के लिए चर्चा में बने हुए हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अब आप जरा गौर से देखिए। राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी का कारवां बढ़ता जा रहा है, लेकिन तभी कुछ स्कूली बच्चियां राहुल गांधी को आवाज लगाती हैं। स्कूल ड्रेस में सड़क पर खड़ी ये बच्चियां राहुल गांधी को जोर से पुकारती हैं। बच्चे हाथों में पोस्टर लेकर राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हैं। राहुल गांधी रुक जाते हैं और बच्चों की तरफ देखते हैं। बच्चों के हाथ में जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनमें लिखा होता है, कैन वी वॉक विद यू, यानी क्या हम आपके साथ यात्रा में चल सकते हैं। बच्चों की ख्वाहिश देख राहुल गांधी उन्हें सुरक्षा घेरे के अंदर बुलाते हैं, उनकी मुराद पूरी करते हैं। राहुल गांधी से मिलकर बच्चे खुश नजर आते हैं। राहुल गांधी का बच्चों के साथ ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। बच्चों से मुलाकात के बाद भारत जोड़ो यात्रा का कारवां आगे बढ़ जाता है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक खास संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 10 राज्यों के दौरान उनके कई अवतार देखने को मिल चुके हैं। अपने अंदाज में उन्होंने लोगों का हर जगह अभिवादन स्वीकार किया। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कई नामी हस्तियां और दूसरे दल के नेता भी पदयात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त होगी, जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। ये पदयात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों से होकर गुजर चुकी है। जम्मू कश्मीर इसका अंतिम और आखिरी पड़ाव है। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा, जिसके लिए 21 विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और अगले कुछ दिनों में उनके कुछ और अलग अलग अंदाज देखने को मिल सकते हैं।